नेटफ्लिक्स की फिल्म हसीन दिलरुबा का ट्रेलर आया है। थ्रिलर फिल्म है। कैसा है ये ट्रेलर और क्या है इस ट्रेलर की दिलचस्प बातें, आइए जानते हैं। शुरुआत करेंगे हसीन दिलरुबा की कहानी से। हरिद्वार की ये कहानी है। यहाँ रहती हैं रानी कश्यप। दिनेश पंडित के कसौली का कहर जैसे थ्रिलर नॉवेल्स की घनघोर मुरीद हैं और इनके मुरीद हैं, इनको पहली बार देखने में ही दिल लुटा बैठे इनके पति ऋषभ और फ्रिशु। सिंपल सोबर सज्जन मिडिल क्लास इंसान है। जितनी उफान से इनके घर के बाहर गंगा बहती है उतने ही उफान पर इनके मन में अपनी मिसेस के लिए प्रेम रहता है। लेकिन रानी कश्यप के सपनों का राजकुमार ऋषु से बिल्कुल उलट एक डैशिंग चार्मिंग हंक है। शादी के बाद ही सही लेकिन रानी का ड्रीम मैन रानी की जिंदगी में दाखिल होता है। रिवर राफ्टिंग के दौरान रानी की मुलाकात होती है नील से। स्विमर है तो ऋतिक रोशन टाइप फिट भी है। रानी को पसंद आने वाली सारी क्वालिटीज है नील के अंदर। दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है जिसका पता चल जाता है रानी के पति ऋषु को। लेकिन बेचारा ऋषु नील के आगे कुछ नहीं कर पाता और नील इनके घर में घुसकर इनको मार मार के नीला कर जाता है। कुछ दिन बाद घर में धमाका होता है और ऋषु के चिथड़े उड़ जाते हैं। पहली शक की सुई सीधी छिटती है रानी कश्यप पर। पुलिस थाने में रानी से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। यहाँ नील फरार हो जाता है। इधर थाने में भी रानी अपने मनपसंद लेखक दिनेश पंडित के लेखन का बखान कर रही है, जिस पर रानी को देखने और सुनने के लिए जुटे हवलदार और बाकी उचक्के बकायदा दाद भी दे रहे हैं। क्या वाकई कत्ल रानी ने नील के साथ मिलकर किया है या कोई और इस हरिद्वार की हत्या का गुनहगार है? जानने के लिए आप फिल्म देखिएगा या कहीं से लेखक दिनेश पंडित जी का पता चले तो उनसे पूछ लीजिएगा। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। हसीन दिलरुबा की स्टोरी वाकई में एक देसी थ्रिलर नोवेल की कहानी लग रही है। अब थ्रिलर है तो जितना भी ट्रेलर से माहौल बना है और जितना हम सोचेंगे होगा तो उससे उलट ही, और होना भी चाहिए। बाकी कहानी शूट करने के लिए जो लोकेशन चुनी गई है वो बहुत बढ़िया है। काफी अच्छा एम्बियंस क्रिएट हो रहा है। मिडिल क्लास रहन सहन का भी अच्छा माहौल बनाया है। हसीन दिलरुबा को लिखा है मनमर्जियां, केदारनाथ जैसी अनेकों फिल्मों की लेखिका कनिका ढिल्लो ने। फिल्म में डायलॉग्स लिखे हैं CID आहट जैसे शोज लिखने वाली अनकाना जोशी ने। मूवी को डायरेक्ट किया है हसी तो फसी फेम डायरेक्टर विनल मैथ्यू ने। ये फिल्म जीरो रांझना के डायरेक्टर आनंद एल राय के प्रोडक्शन बैनर के तले बन रही है। ट्रेलर में कमी दिखती है फिल्म के एक्शन डिपार्टमेंट की। वायर वर्क स्मूथ नहीं है। एक सीन में जब नील ऋषु को धक्का देता है तो वहां साफ झलकता है कि ऋषु को वायर से पुल किया गया है। दूसरी कमी जो ट्रेलर में नजर आई वो ये कि ब्लास्ट के बाद चित्रों के सीन में दिखाया हाथ और शरीर का अन्य भाग पहली नजर में ही नकली यानी कि प्लास्टिक का लगता है, जो 2021 के VFX CGI के दौर में आसान शॉर्टकट लेना और खर्चा बचाना माना जाएगा। रानी कश्यप के किरदार में तापसी पन्नू। तापसी का अभिनय अच्छा है। थ्रिलर फिल्मों में चेहरे पर दर्शकों को असमंजस में डालने के लिए जिन भावों की आवश्यकता पड़ती है वो सब उनके चेहरे पर स्पष्ट रहते हैं। अपने हाव भाव से वो ऑडियंस को खूब कंफ्यूज करने वाली हैं फिल्म में। इनके पति ऋषु के रोल में है विक्रांत मैसी। जितने शालीन तमीजदार वो असल जीवन और सोशल मीडिया पर रहते हैं उतने ही इस किरदार में भी हैं। एक सरल व्यक्ति को दर्शाने में उनका सौम्य चेहरा भी उनकी मदद कर रहा है। हालांकि एक दो शॉट्स उनके भी आंख तर्राए हुए ट्रेलर में दिखते हैं जो उनकी कैरेक्टर को और मिस्टीरियस बनाते हैं। नील के रोल में है हर्षवर्धन राणे। किरदार के अनुसार परफेक्ट कास्टिंग है। एक स्टर्ड लेडीज मैन को अच्छा पोर्ट्रे कर रहे हैं। ऋषु के कत्ल की छानबीन करने वाले और रानी कश्यप की नाक में नकेल कसने वाले इंस्पेक्टर के रोल में आपको दिखेंगे CID के अभिजीत यानी आदित्य श्रीवास्तव। यहाँ भी अभिजीत के तरीके का ही किरदार है। कितना अलग ढंग से निभा पाते हैं ये फिल्म में देखने को मिलेगा। सुई धागा आर्टिकल 15 में दिखे आशीष वर्मा फिल्म में ऋषभ के दोस्त के रोल में दिखाई दे रहे हैं। फिल्म 2 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर आएगी। ट्रेलर से तो इंटरेस्टिंग लग रही है यानी कि देखने लायक। 100% रिपोर्ट हम आपको फिल्म रिव्यू में दे देंगे। आपके लिए इस ट्रेलर को रिव्यू किया है हमारे साथी शुभम ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।